तुम जैसे कुछ चूतियों लोगों के चक्कर में आके ना यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला कि दे विल गिव मी मनी जिसके जिससे मैं अपनी मामा का ट्रीटमेंट करा सकूँ। ठीक है, फिर आप मतलब पैसे चाहिए ना, मैं देता हूँ, आप मेरी जरूरत पूरी कर दो, मैं आपकी जरूरत पूरी करता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है? The hell? उठो उठो, उससे लो या मुझसे लो, मैं दे रहा हूँ, चलो। धीमी सी बारिश भी हो रही थी और एक लड़की मुझे दिख रही थी, मतलब बहुत सैड है। एक बार कैमरा उधर कर लेना, ले इधर ले गाइस, ये बहुत सैड लग रही है और अकेले बैठी हुई है, तो देखते हैं क्या मैटर है। और मैं सोच रहा हूँ चलो एक प्रैंक कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन नो हेलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मतलब मुझे लगा आप बोल नहीं पा, मतलब बोल नहीं सकती हो, लेकिन आप तो बोल रही हो, तो कुछ बोल लीजिए। अब इतना परेशान क्यों लग रही हो, क्या हो गया? किसी को कॉल कर रही हो, किसी का वेट कर रही हो क्या? नहीं बोलने का मन है? प्रॉब्लम क्या? एक तो कहते हो परेशान भी, ऊपर से इरिटेट भी कर रखे हो, शांति से नहीं बैठ सकते, अपने काम नहीं कर सकते क्या? क्या हो गया इतना इरिटेशन, क्या मैं चला जाऊं क्या? किसे कॉल कर रहे हो आप बता दो। लिसन, डू व्हाटएवर यू वांट, प्लीज लीव मी अलोन। ओ भाई साहब, बहुत फॉर्म में लग रही है लड़की, पक्का बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है, मुझे यही लग रहा है। ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया तो छोड़ दो, मैं हूं ना। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम लड़कों की सिर्फ एक ही जगह गाड़ी क्यों अटकी रहती है? दुनिया में ब्रेकअप से आगे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? अरे कंट्रोल कंट्रोल, क्या हो गया बता दो आप मुझे, क्या हो गया? अरे आप बोलो तो, मैं भी कम नहीं हूँ किसी से। शट योर माउथ अप, मेरी मामा का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, और तुम यहाँ बकवास पे बकवास किए जा रहे हो। डोंट यू हैव माइंड? फिर से वही ना, मम्मा का तबीयत खराब है, सीरियसली हिंदी समझ में नहीं आती है, फिर मेरी बातें समझ नहीं आ रही। मुझे बातें भी समझ में आ रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे बात क्या बोलूं मैं। तो क्या पैसे चाहिए होंगे? What's wrong with you? तुम यहाँ के बैठे हो, तुम ट्राई कर रहे हो बात करने की, और ऊपर से पैसे चाहिए? नहीं तो मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मतलब आप परेशान लग रही हो तो, लेकिन आपका मुझे तुम्हारा कोई हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है? लिसन, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हूं। ठीक है, आप मेरी बात सुन लो, आप ऐसा बात बोल रही हो, आप ऊपर से बात अगर कुछ है तो आप बताओ, लेकिन आप डायरेक्टली बोल रही हो मेरी तबीयत खराब है, और आपकी मम्मी का तबीयत खराब, आप यहाँ बैठ के वेट करते, किसका वेट, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? और पार्क में तो कोई नहीं आता के बैठता है। लिसन, कौन हो तुम, हो कौन तुम जो मैं तुम्हें एक एक डिटेल बताऊं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्यों नहीं हूँ? अगर मेरी मामा का तबीयत खराब है तो मैं हॉस्पिटल में क्यों नहीं हूँ? Who the hell are you? जिसको मैं एक्सप्लेनेशन बैठ के देती हूँ। Listen, What listen? Just shut your mouth up. फॉर्म में नहीं रहना, ठीक है? मुझे कोई वो नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूँ, मुझसे कुछ हो पाएगा हेल्प मैं करूंगा। देखो, मेरी मम्मा का बहुत ज्यादा तबीयत, ठीक है, तो उससे आगे भी कुछ बोल सकते हो आप? आप पार्क में बैठे हुए, मम्मा का तबीयत खराब है, बार बार एक ही चीज रटे जा रही हो, तो फिर आप उन्हें आपकी जरूरत है ना? तुम जैसे कुछ चूतियों लोगों के चक्कर में आके ना यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है? उन्होंने मुझे बोला कि दे विल गिव मी मनी जिसके जिससे मैं अपनी मामा का ट्रीटमेंट करा सकूँ। किन्होंने, मतलब किसने बोला आपको? माई ब्लडी फ्रेंड्स, पता नहीं लोग बोलते ही क्यों, प्रोमिस ही क्यों करते हैं जब निभा नहीं सकते हैं मौके पे। तो मैं आप पे ट्रस्ट करूं? ठीक है, फिर आप मतलब पैसे चाहिए ना, मैं देता हूं, आप मेरी जरूरत पूरी कर दो, मैं आपकी जरूरत पूरी करता हूं, क्या दिक्कत आ रही है? The hell? उठो उठो, उठने वाली इसमें कौन सी बात है, मैं सिंपल सी बात है, सारे निकलो यहां से। मैंने तुमसे पैसे के लिए बोला नहीं ना, तुम आए मेरे पास ना, क्या प्रॉब्लम है? तुम आए ना मेरे पास, क्या प्रॉब्लम है? तुम पहले मेरी बात सुनो, पहले तुम मेरी बात सुनो। पैसे की जरूरत चाहिए होती है, और हर एक लड़के को वही चाहिए होता है, तो तुम मेरी जरूरत पूरी करो, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करता हूँ। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, तुम जो बोल रही हो ना सिंपली आके कि हाँ तबीयत खराब, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है सिंपली, ठीक है? किसी का वेट कर रही हो, किसी बॉयफ्रेंड का, और कुछ चाहिए होगा,
सिंपल सी बात है, मुझे क्या ही बोले जा रहे हो, क्या ही बोले जा रहे हो, दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है करो, ठीक है। आपको अगर सीरियसली ऐसा मतलब कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप अभी वहाँ पर रहते, ठीक है, और यहाँ पार्क में बैठे किसी मतलब यार सिंपली बता रहा हूँ, किसी का वेट कर रहे हो पैसे के लिए, किसी को बुलाया होगा, बहाना कर रही ना, तुम जैसे लड़कों की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, पैसा चाहिए मम्मा का करा, मेरे साथ ये रेगुलर है, ठीक है, नहीं जानती हो तुम, अगर कहीं और से धोखा खा के आयो तो उसका फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हो भाई, सिंपल सी बात है, अगर तुम किसी गोल निकल के पास जाके फंसे हो तो तुम मेरे पास आके उसका क्यों फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, ऑलरेडी आई एम वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, मैं निकाल रहा हूं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं ना कि अगर मैं अच्छे से हैंडल करना जानती हूं, ठीक है ना, इसलिए तुम मेरे ऊपर आके मेरे ऊपर गंडाना बंद करो, ओके, लड़कियां लड़कों को जानती है हैंडल करना, हर लड़की को अच्छे से मतलब नाप चुका हूं, ठीक है, पैसे से मैं दे रहा हूं ना, नहीं होती है, ठीक है, और हर किसी का प्रॉब्लम एक जैसा नहीं होता है, पैसे उससे लो या मुझसे लो, मैं दे रहा हूं, चलो तुम किसी और ही ट्रैक पे जा रहे हो भाई, फुल नाइट की बात है, शट योर माउथ, अब नहीं तो ठीक है, अपने चूतिया पर बंद करो, गॉड से अंदर से मना जितनी वैल्यू रहती है थोड़ी कम हो चुकी है लड़कियों के लिए, क्योंकि मतलब तुम्हारी वैल्यू कम हुई है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो फिर अच्छा मैं कैसे मान लूं, अगर पास अगर कोई प्रूफ है, प्रूफ दिखा दो, मैं क्यों प्रूफ दूं तुम्हें, हु द हेल आर यू, बस यही 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 लाइन होती है, मैं हूं कोई नहीं, बस मुझे पता चल रहा है, मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे, आप आए मुझे पैसे ऑफर करने, ठीक है, विद योर ब्लडी ऑफर, ठीक है, और आप मुझे कह रहे हो कि प्रूफ देने के लिए, मेरे को प्रूफ कर दो फिर, मैं अगर मैंने नहीं आपकी हेल्प की तो बोलना, प्रूफ कर दो मेरे को, तुम्हें प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, चूतिया फिर सब, ठीक है, प्रूफ कर दो, तुम जैसे लड़कों के लिए ना मैं डेफिनेटली प्रूफ करूंगी, क्या प्रूफ करोगे, किसी वेट, हाँ कॉल नहीं, कॉल करना है तो वीडियो कॉल, हाँ वीडियो कॉल ही कर रही हूँ, हाँ तो एक सेकंड वीडियो कॉल कर रहे हो ना, एक सेकंड फोन देना, वीडियो कॉल कर रहे हो, एक सेकंड, ये रिकॉर्डर यही है ना, ठीक है अब कर लो, तो देखो ये कौन है, हेलो भाई, कहाँ हो तुम, हाँ दीदी कहाँ पे हो, अभी तो हम मेडिकल के पास हैं दीदी, दवा लेने के लिए आए हैं, नट बोली है तो दिखाओ दवा, आप कहाँ पे हो, मम्मा कब से ढूंढ रही है, मेरा छोड़ो तुम, दिखाओ पहले, हाँ ठीक है तुम जल्दी से दवा लो और जल्दी से मम्मा के पास जाओ, ठीक है जा रहा है, जल्दी जल्दी दिखाओ मम्मा को भाई, अब प्लीज कट कर दो, प्लीज 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 यार सॉरी दिल से, हो गया प्रूफ, अब निकलो यहाँ से, प्लीज दिल से कह रहा हूँ, सॉरी, मुझे मतलब जस्ट लीव, ना ही तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और ना ही तो मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए, मैं दिल से सॉरी कह रहा हूँ, प्लीज मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था यार मुझसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी, सॉरी प्लीज प्लीज, आप मुझे भाई भी मान सकते हो प्लीज, मुझे और किसी नाते से भी आपकी हेल्प नहीं चाहिए, बस अच्छा मेहरबानी मतलब करो यहाँ से निकल जाओ, आपके पापा कहाँ हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब सैड मत हो प्लीज, मतलब मैंने ऐसे ही जेन्युइनली पूछ लिया, मुझे बहुत बुरा लगा, वो लॉकडाउन में एक महीने पहले गुजर चुके हैं, मतलब कैसे, पहले आप खुद को संभालो प्लीज, सॉरी मतलब मतलब कि मैं ऑलरेडी स्ट्रांग हूँ, तभी मैं तुम्हारी तबक्कुआ सुनी, मतलब क्या हुआ उन्हें, वो मुंबई में रहते थे और वो यहाँ आ नहीं पाए लॉकडाउन में और वो कोरोना पॉजिटिव, लोग मिल भी नहीं पाए उनसे, एक साल से हम लोग उनसे नहीं मिले थे और हमें बस उन्हें वीडियो कॉल पे दिखाया गया, उस वजह से मम्मा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई और आज उनका ये हालत हो गया, और लॉकडाउन की वजह से मैंने अपना क्या जॉब भी छोड़ना पड़ा मेरे को, yeah।
पहली बात तो मैंने आपको इतना बोला उसके लिए दिल से सॉरी, मैं अपने आप को कोई माफ़ नहीं कर पाऊंगा कि मैंने आपसे इस तरीके से बात की। मैं दिल से सॉरी कह रहा हूँ। प्लीज़ अब आपको जो बोलना था आपने बोल लिया, मेरे को जो बोलना था मैंने बोल लिया, प्लीज़ अब आप यहाँ से जाओ। प्लीज़ बस एक मौका चाहता हूँ, मैंने जो इतना बड़ा गलती मैंने कैसे किया मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी वजह से कुछ भी हो सके ना मैं करूँगा। प्लीज़ आप पहले सैड नहीं हो, प्लीज़ प्लीज़ बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप प्लीज़ स्ट्रांग रहो। अच्छा आप एक काम कर सकते हो, आप फ़ोन निकालो ना, आप एक मिनट आप अपना फ़ोन निकाल सकते हो, प्लीज़ एक मिनट निकालिए ना, बोलो। फ़ोन पे है ना, ठीक है आप मतलब एक मिनट के लिए नंबर दे सकते हो अगर कोई इशू ना, मतलब प्रॉमिस करता हूँ कुछ भी गलत नहीं होगा, आप प्लीज़ फोन बस नंबर करो। नंबर आप फोन पे अपना नंबर बोलो ना एक मिनट बस, प्लीज एज अ भाई मान के भी दे सकते हो। फोन लो अपना, फोन पे का ही नंबर है ना। हाँ लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? बस एक छोटी सी हेल्प करने के लिए, अगर सिमरन राय आप ही का है ना। अब देखो एक मैसेज गया होगा आपके नंबर पे। ये 20,000 अभी तुमने किया है क्या? ये एक छोटी सी हेल्प है मेरे तरफ से, अगर मतलब इससे आपकी कुछ भी मदद हो पाए, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे पास है भी नहीं। मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगा। ओके फाइन, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये आप नहीं लोगे ना तो मैं नहीं सो पाऊंगा, मुझे मतलब नींद नहीं आएगी। और मैं तुमसे क्यों लूं? पहले तो तुमने आया भाई मान के ले सकते हो ना, प्लीज कुछ भी क्यों ही मानूं, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। यार मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को हेल्प नहीं किया, तुम एक स्ट्रेंजर हो के क्यों मेरी हेल्प कर रहे हो? हेल्प करने के लिए जरूरी नहीं होता कि आप मेरी दोस्त हो या फिर मेरी कुछ हो पहले से, बस आपका दिल इतना अच्छा, आप इतनी अच्छी बिहेवियर की हो और इतना सारा प्रॉब्लम आपके लाइफ में, यही काफ़ी था। एंड यार रियली सॉरी भी बोल रहा हूँ मैं, दिल से सॉरी मेरी आपकी बात, आप मुझे बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप एक हेल्प कर दो मेरी, आप मुझे माफ़ कर दो प्लीज। देखो मेरे को पैसे की ज़रूरत है इसलिए मैं तुमसे ये हेल्प ले रही हूँ, पर तुम 5 दिन बाद आना और यहीं पे 20,000 में से लेके जाना। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस आप खुश रहोगे ना, मुझे मैं आपकी लाइफ में एज अ ब्रदर रह सकता हूँ पक्का, और आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके लिए वहाँ पे खड़ा रहूँगा। आप बस अपनी मम्मा को खुश करो, और मुझे पता है आप इतनी स्ट्रांग हो ना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे आपको देख के। प्लीज़ अगर इसे कुछ भी हेल्प हो तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँ या फिर मैं तुम पे गुस्सा करूँ, क्योंकि पहले तो तुमने आप बस मुझे माफ कर दो, मेरे लिए बहुत है, बट मेरे को ज़रूरत थी और जिन लोगों ने मुझे बोला कि दे विल हेल्प उन्होंने मुझे ऐन मौके पे धोखा दिया और तुमने मेरी हेल्प की, तो इवेंचुअली मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ। मैं वादा करता हूँ, मुझे मतलब मैं जब जब आपके लिए कुछ कर पाऊँगा ना, मुझे लगा अगर मेरी कहीं ज़रूरत लगे ना तो प्लीज़ याद करना, मैं कसम से हमेशा आपके लिए खड़ा रहूँगा, मैं आपकी हेल्प हमेशा करूँगा, मैं वादा करता हूँ। फाइन एंड थैंक यू सो मच दैट यू हेल्प मी। आप एक बार स्माइल कर दो ना प्ले। श्योर, बस प्रे करना मेरी मम्मा ठीक हो जाए। मैं ये प्रे करता हूँ। मुझे अभी जाना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर्स को पैसे। ओके।